नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पीछे का नज़ारा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह जो है NH80 का नज़ारा है। बहरहाल NH80 की जो स्थिति है वो आए दिन अखबार और टीवी चैनलों में दिखाई जाती है। अभी जो है दिन का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्षमता से अधिक वाहन पर लोड किया गया है, जिसके वजह से जो है खराब रोड और भारी वाहन पर जो है क्षमता से अधिक लोड होने के वजह से गाड़ी खराब हो गई है। बीच सड़क पर ये गाड़ी खड़ी है और जो है ड्राइवर सो रहे हैं। बीच सड़क पर गाड़ी खराब होने की वजह से जाम की समस्या बन गई है, लोग परेशान हैं। रोड जो है रोड की स्थिति अच्छी नहीं है और ऊपर से इस तरह से भारी वाहनों का क्षमता से अधिक जो है वजन लेकर चलने के बाद गाड़ी का खराब होना, जाहिर सी बात है गाड़ी खराब होगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में इस तरह से क्षमता से अधिक ओवरलोडेड गाड़ी रोडों पर दौड़ती है तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही है? क्यों नहीं ऐसे वाहनों को रोका जाता है? हालांकि रोड की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, ऐसे में भारी वाहनों और क्षमता से अधिक वाहनों का ओवरलोड करने के बाद अगर रोक लगाई जाए ऐसे वाहनों पर तो कुछ राहत हो सकती है। और दूसरी बात कि पूर्वी बिहार का जो है सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और ऐसे समय में पीरपैंती, कहलगांव और ख़ासकर NH80 से सटे जितने भी लोग गांव में रहते हैं उनका जो है भागलपुर अस्पताल जो है जाना होता है और कुछ आधे घंटे के जो रास्ते हैं, लगभग 4-5 घंटे में वो जो है पूरी होती है। अगर खुदा ना खास सड़क पर जाम हो, भारी वाहन जो है क्षमता से अधिक लोडेड जो है वाहन खड़ी हो तो मरीज का अस्पताल पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल मैं जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो नज़दीक के जनप्रतिनिधि हैं उनसे और कुछ सवाल जनता से भी। जनता से इसलिए कि अगर आपको लगता है कि इस तरह सड़क की दुर्दशा का जिम्मेवार कोई एक लोग है तो शायद आप गलत हैं। गलत आप क्यों हैं? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और यहाँ से नीतीश कुमार ने अपना प्रत्याशी अजय मंडल को बनाया था, अजय मंडल को जिताने के लिए मुख्यमंत्री खुद जो है रैली किए थे, उसके बाद गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा था कि अजय मेरा छोटा भाई है और भागलपुर से अजय नहीं निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहा है। आज निशिकांत दुबे कहाँ हैं? शहर के बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, चर्चित चेहरे भी अजय मंडल को चुनाव जिताने के लिए भरसक प्रयास किया था। उसका वीडियो क्लिप भी सिल्क टीवी पर मौजूद है। चुनावी रैली हुई थी, निशिकांत दुबे जो है सभा रैली किए थे और भागलपुर के भी कुछ जनप्रतिनिधि जो अभी हैं वो भी उन्हें सपोर्ट किए थे। आज वो सब लोग जिम्मेवार हैं इस दुर्दशा की और ऐसी NH80 के इस हालत के। सभी लोग कहीं ना कहीं आज उनके पास जवाब नहीं है और जनता भी अब लाचार हो गई है स्थिति जो है सड़क की देखकर। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है NH80 की खबरें। जाम की समस्या, रोड की समस्या और ओवरलोडेड से जूझता NH80। आप दिखा सकते हैं, दिखाइए ये सड़क की जो दुर्दशा है, भारी वाहनों का जो परिचालन होता है और ख़ासकर जिला प्रशासन की लापरवाही भी है। पिछले दिनों भागलपुर के कमिश्नर वंदना किनी मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि भारी वाहनों का क्षमता से ज़्यादा जो लोडेड होते हैं वाहन उन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन फिर भी आज दिन में ये स्थिति है, रात में क्या स्थिति रहती होगी। काफ़ी दर्द सजोया है NH80 ने और ख़ासकर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जो है ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार का जो है मुद्दा NH80 रहेगा। जनजीवन हरियाली योजना पर करोड़ों रुपया फूकने वाली नीतीश सरकार अपने मंत्रियों के साथ या खुद NH80 के दौरे पर निकलें तो उन्हें पता चलेगा कि NH80 के सटे जितने भी पेड़ पौधे हैं जो कि हरे भरे थे, अब NH80 के सड़क की धूल की वजह से उन पर एक मोटी परत चढ़ गई है और वो हरियाली मिट चुकी है। कैसी योजना है जनजीवन हरियाली की, जो पहले से हरियाली है उसे समाप्त किया जा रहा है और जहां पर हरियाली की कोई उम्मीद नहीं है
वहाँ पर करोड़ों रुपये फूके जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष में है, उनकी मनमानी भी चल सकती है और जनता बेचारी है, कुछ बोल नहीं सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या NH-80 सड़क का निर्माण कराया जाता है या नहीं। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं।